हेलो दोस्तों, ये एक छोटा सा रिव्यू है DSLR की हैंड ग्रिप, जो हैंड स्ट्रैप आप बोल सकते हैं, उसको लेकर मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे 2 महीने पहले ख़रीदा था एली एक्सप्रेस पर से। 175 रुपीज़ का मुझे मिला था। अगर अभी भी आपको ढूंढना है तो आपको अप्रॉक्सीमेटली वही रेट में ये मिलेगा। इसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे एक क्विक रिलीज लॉक दिया हुआ है, एक आपके कैमरे में ये अटैच करना पड़ता है और ये आपके हाथ में रहता है दोस्तों। देखिए, जैसा हाथ आपके हाथ में रहता है, और आप जब भी अगर आपको कैमरा आपके हाथ से निकाल कर रखना है तो आपको घड़ी घड़ी इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहाँ से ये लॉक कैसा खोल दे और यह आपके हाथ में ऐसा रहेगा, थोड़ा स्टाइलिश भी दिखता है और इसका जो लॉक है वो भी काफ़ी मजबूत है। आप आराम से अपना जो कैमरा है इसके भरोसे छोड़ सकते हैं, ये खुलेगा नहीं। क्योंकि मैं भी सोचता था कहीं ये स्लिप होके कभी छूट गया तो कैमरा डैमेज हो सकता है, बट मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत अटेम्प्ट्स खुद से भी दिए, ये नहीं निकलता है दोस्तों। इसकी क्वालिटी जो है बहुत मजबूत है और अच्छी क्वालिटी का ये हैंड स्ट्रैप है। 175 रुपीज़ में ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हैंड ग्रिप्स मिलते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 250 रुपये के आसपास मिलते हैं, 250 से 300 रुपये के मिलते हैं, लेकिन वो रैक्जीन के बने हुए होते हैं, जो आफ्टर थोड़े दिन बाद यूज़ करने के बाद उसके जो है क्वालिटी ख़राब होने लगती है, और वो मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं क्योंकि वो रेक्सिन का है। बट ये जो मैंने हैंड स्ट्रैप लिया है, आपको इसका जो मटेरियल है ये एक क्लोथ टाइप का बना हुआ है, जिसमें नायलॉन नायलॉन का मटेरियल, जैसा इलास्टिक वाला नायलॉन होता है, वो यूज़ हुआ है, जो हाथ में एकदम सॉफ्ट रहता है। देखिए, आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे, यहाँ पे इसमें लेदर दिया हुआ है ताकि ये कभी भी छूटे नहीं। लेदर आप हाथ से फाड़ना चाहोगे या खींचोगे तो भी वो जल्दी टूटेगा नहीं, ना कि वो फटेगा। और ये दोनों तरफ इसका जो पेन दिया हुआ है ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ये निकलेगा नहीं, बहुत मजबूत है। यहाँ पे देखिए, देख दोनों तरफ ये लेदर का ये दिया हुआ है, और इसकी जो फिनिशिंग है, स्टिचिंग है, वो भी एकदम परफेक्ट है। देखिए, सब जगह से एकदम परफेक्टली बनी हुई, कहीं से भी ऐसा आड़ी टेढ़ी स्टिचिंग्स नहीं है। एक प्रॉपर कंपनी ने इसे बनाया है, कंपनी का कोई ब्रांड नहीं है, जेनरिक ब्रांड है। अगर आप एली एक्सप्रेस पर ढूंढोगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, हैंड स्ट्रैप डालकर अगर आप ढूंढोगे तो ये एक यूज़ करने के लिए अच्छा है। कभी कभी ज़्यादा देर तक गले में वो निकॉन का जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैप आता है वो लटका कर नेक कभी कभी पेन होता है, क्योंकि इसके ऊपर हम स्पीड लाइट भी अटैच करते हैं, हैवी लेंस लगा दिए तो। बट हाथ में कैसा है, जब भी आप शूट करोगे एटलीस्ट तो आपके हाथ से इतना अश्योरिटी रहेगी कि ये कैमरा गिरेगा नहीं, ठीक है। और जब भी आपको कैमरे को साइड में निकाल के रखना है तो आपको गले से वो स्ट्रैप निकाल कर साइड में रखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे से आप ये कर दीजिए, कैमरा आपका नीचे आप रख सकते हो। तो ओवरऑल ये एक अच्छा स्ट्रैप है दोस्तों, स्मूथ है, हाथ में ज़रा भी चुभता है या डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, एक अच्छा है। और अगर आप देखोगे भी तो ये कभी गलती से अगर शूट करते समय आपका कैमरा हाथ से गिर भी जाता है तो ये इतना आसानी से नहीं निकलता। देखिए, अगर मैं इसे झटके से ज़्यादा खींच भी रहा हूँ, अगर मैं हाथ जो हम स्ट्रैप निकालते वक्त हाथ को छोटा करते हैं, मैं वैसा हाथ, ये मेरा नॉर्मल हाथ है, अगर मैं छोटा करते हुए भी अगर इसे ऐसा बाहर खींचूंगा तो ये पॉसिबल ही नहीं है गिरना। अगर आपका ध्यान नहीं है, हाथ आपका एकदम ही लूज है, और फिर भी अगर देखो अगर आप नॉर्मली ये नीचे की पोजीशन में खींचूंगा तो भी ये निकलता नहीं है। और ये बहुत ही मतलब डिज़ाइन इसका बहुत अच्छी तरीके से किया गया है कि अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ से खींचकर ही निकालना होगा। ये देखिए ऐसा निकलता है, लेकिन अगर यहाँ से अगर आप कोशिश करोगे, यहाँ पे वेट डाल के खींचने की कोशिश, तो ये बहुत बहुत डिस्कम्फर्ट होता है निकालना, आपको एडजस्ट करके ही निकालना होगा। तो ये एक बहुत स्मूथ और मुझे बहुत अच्छा लगा, एज़ कम्पेयर टू जो वो ऑनलाइन यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको नीचे एक ये स्क्रू दिया हुआ होता है और यहाँ पे सिर्फ एक पट्टा होता है, तो आपको अंदर हाथ डाल के आपको ऐसा पकड़ना है। मुझे वो थोड़ा रिस्की लगा, इन केस कभी ऐसा हाथ अगर आपका छूट जाता है तो वो निकलने का चांस है, आपको हमेशा कैमरा होल्ड करके रखना होगा। बट ये कैसा है, अगर आपको कभी कभी क्लाइंट्स को पोजिंग करवाना होता है या कुछ भी चीज़ उठानी होती है, कुछ एडजस्टमेंट्स करने होते हैं, तो आप कैमरा बेफिक्र हो के आप डायरेक्टली इसे ऐसा छोड़ सकते हैं, काम कैमरा आपके हाथ से गिरेगा नहीं। ये एक मुझे अच्छा लगा, कम पैसे में बहुत ही आज बढ़िया चीज़ है दोस्तों। तो अगर आपको हैंड ग्रिप लेना है तो आप ये ट्राई कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन है मार्केट में। थैंक यू।